अन्यथा इस जगह सर कोई भी रुक जाता है अपने प्राण त्याग देते। ये कमीशन साहब है क्या? गाइस ये पूरा प्रेम मंदिर है, बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर देखो पूरा। हाय गाइस कैसे हैं आप सब? और अभी हमें वृंदावन में, रात हम आगरा से चले थे तो वृंदावन में रात हम यहाँ पर होटल में रुके, ऑलमोस्ट 12:30 बज चुके हैं। तो अभी हम क्या है, सबसे पहले खाना खाएंगे। वैसे तो खाना हम पूजा के बाद खाना चाहिए, मंदिर होने के बाद खाना चाहिए, बट हुआ क्या है कि यहाँ पर क्या सीन है हमें पता नहीं था। जो हमें पता चला कि सुबह 8 से 12 बजे तक खुले रहते हैं मंदिर और फिर 4 बजे से 8 बजे तक। तो अभी सबको भूख लग रही है तो अभी हम जाएंगे, क्योंकि हम सारे थक गए थे, हमें सुबह भाई आँख ही नहीं खुली, वरना हम सुबह जल्दी निकलते। केसी घाट करके वहाँ जाएंगे, पहले कुछ खाएंगे फिर उसके बाद केसी घाट जाएंगे और आज यहाँ पर दर्शन करेंगे, बाकी बिहारी मंदिर जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे प्रेम मंदिर, जो कि बहुत प्रेम मंदिर मैंने सुना है कि बहुत खूबसूरत है और बाकी बिहारी मंदिर की जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम दोनों मंदिर जाने वाले हैं आज। तो वैसे अभी हम जा रहे हैं निधिवन और यहाँ पर सारे होली खेलते गा रहे हैं, देख लो आप बाहर। ये पूछे कौन सी जगह है, सिंगार घाट और एक और घाट भी था यहाँ पर, बावन घाट है। बावन घाट है यहाँ पर, आपको कौन सी घाट जाना पता? कौन सा घाट है? बढ़िया बड़े वाला घाट कौन सा? केसी घाट। केसी घाट हाँ, नौका का ही रास्ता है। कौन सा? नौका से रास्ता 7 घाट घूमने में आते हैं। इसमें ये गोपी घाट, कदम का पेड़, बंसीवट, जसोदा घाट, कालिंद्री कुंड। अच्छा, ये पूरा घुमाएंगे क्या? 7 घाट तक घुमा के लाते हैं। 7 घाट घुमाओगे आप? ना जसोदा मैया में जलने कूदने का प्रयास किया, ना तेजी नाम के दत्त को मारा, मारे भगवान को मारने आया है नाम के राक्षस का रूप लेके। गोपी घाट जहाँ भगवान ने गोपियों का वस्त्र चुराया है, जहाँ शंकर भगवान गोपी का रूप लेके आए हैं। एक एक स्टोरी समझाएंगे, एक सारी। अच्छा, पूरी चीज़ें बताओगे आप? और क्या कितने चार्ज है? अगर 7 घाट जाओगे तो 360 रुपये टिकट है। 360 पर बंदे का? हाँ, हाथ वाली बोट से, जिसमें सारी चीज़ दिखने में आएगा और थोड़ा टाइम भी लगेगा। सो गाइस हम बोट पर तो घूमने नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी और दूसरी चीज़ें पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे थे। एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि आपको बार्गेन करना चाहिए, इन्होंने 350 बताया था, ये खुद 200 तक आए और जब हम आगे पता करने गए तो 50 और 100 रुपये तक में भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। इसके बाद गाइस हम गए निधिवन, जो कि वृंदावन की सबसे प्राचीन और रहस्यमय जगह है, जिसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज भी यहाँ पर ये लोग कहते हैं कृष्ण भगवान डेली रात को यहाँ पर रास करने आते हैं। सो गाइस अभी हम निधिवन में और जय बाकी बिहारी लाल की, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ताली मारो, थोड़ा हंसी करो, राधे 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 राधे। हंस लो, यहाँ हंसने पे टैक्स नहीं लगता। कहते हैं जो वृंदावन धाम में आके हंसे वही को घर वृंदावन में बसे, और जो वृंदावन में आके रोवे वो अपने दोनों ने ना खो। कहोगे हंसोगे नहीं तो कन्हैया लूटोगे, क्योंकि ये 16108 सकिन का माखन तभी लूटे जब कूपियाँ हंस। कहोगे हंसोगे तो तभी लुटेरा कहलाए जाओ। आप जिस निधिवन में हो इसका नाम है निधिवन, जहाँ भगवान आज भी प्रतिदिन प्रति रात इस जगह रास करने आते। कहते हैं आप 16108 वृक्ष देखोगे जो भगवान की मनोकामना की गोपी कहलाई जाती है। वो मनोकामना की गोपी भगवान की जो यहाँ पे वन तुलसी के नाम से जानी जाती है। कहते हैं अभी आप जो बंदर से लेके चींटी, मोर पक्षी वगैरह, हम जैसे पंडा गोसाई वगैरह रात्रि अभी देख रहे हैं, पर रात्रि कभी 8 बजे आपका प्रभु की कृपा से आना हुआ हो, जब पुजारी जी यहाँ रहते हैं, हम जैसे पंडा गोसाई वगैरह रहते हैं, तो यहाँ रात्रि के समय आना आपका, तो आपको पहला तो यहाँ पे बंदर से लेके चींटी, मोर पक्षी वगैरह आरती के समय यहाँ से सब जने निकल जाते हैं। अन्यथा इस जगह सर कोई भी रुक जाता है अपने प्राण त्याग देते, उसके शरीर को जमुना किनारे ले जाया जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है, जला दिया। जलाने के बाद उसकी अस्थियों को लाके यहाँ लूटे में उनकी समाधि बना दी जाती है। अभी आप जो आगे दर्शन करोगे आपको उन लोगों की समाधि दिखेगी। कृष्ण जी रास करते हैं रात में और यहीं पर किया था सारी वो चीज़ है। तो गाइस ये है कुछ ऐसी वृंदावन की गलियां। तो गाइस अभी ना निधिवन हम आए थे और निधिवन के दर्शन हमने कर लिए, अभी हम जा रहे हैं गंगा जी का आचमन करने। और आ जाओ मम्मी। यार हमने पूछा इनसे तो बता रहे 350 रुपये, हम आगे गए वो कह रहे 50 रुपये, ये बोले 350 रुपये सवारी। आचमन कैसे करते हैं? आचमन सूर्य उतार सकते तो सूर्य उतार लेंगे। ठीक है, सूर्य उतार के नहीं बोझ उतार लेना। ठीक है, आ जाओ।
अच्छा अंदर जाना है। कहीं ना कहीं खाई लेकिन आसमान का मतलब यूँ जल लेके थोड़ा सा यूँ करके जमुना महारानी को यूँ कह के, ये जमुना महारानी हमसे जो भी भूल हुई हो हमें माफ़ करना, हमें ऐसी श्री वृंदावन धाम फिर से बुलाते रहना और अपनी सेवा में तत्पर रहना। पानी बहुत गंदा करते हैं लोगों ने। बी सेंटर में पानी देखोगे ना साफ कर दिया है? मैंने लगा दिया इसके गाल पे, लगा दो गाल पे। रोहित चलो चलो आ जाओ आराम से। तो गाइस ये है प्रेम मंदिर, वो भी अंदर जाने वाले हैं और यहाँ पे मम्मी है, सब ने माथे पे वो लगाया हुआ है ये एरो भी। तो गाइस ये पूरा प्रेम मंदिर है, बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर देखो पूरा अभी शाम में अच्छा भी है, इस ये टाइम सही है और अगर थोड़ा और लेट आओ तो और ज्यादा अच्छा है। जब लाइक तुझको देखा तो मेरे इस दिल को राहत हुई, तुझको देखा तो मेरे इस दिल को राहत हुई। और यार इनाज ने बहुत परेशान किया है, मेरी हालत भी देख सकते हो कितनी बुरी हो रही है और अभी तो सबसे ज्यादा बुरी थी, फिर मैंने फेस वॉश किया, लिपस्टिक लगाई, तब जाके मैं ऐसी लग रही हूँ। मैं कितना गला लग रहा हूँ। और उसके बाद बहुत ज्यादा थकन हो रही है, यारो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है हमें। बैक कैमरे दिखाओ कितना, आप कैसा लग रहा है। सो गाइस अभी देख सकते हैं, अब यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है और शाम को यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ होती जा रही है बहुत ज्यादा, और ये यारोई है हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, बस मेरी गोद में है, किसी के पास भी नहीं जा रही है। और ये जो है ये आप देख सकते हैं, पता है तुमने देखा होगा बचपन में वीडियोस में, नहीं तो ये हुआ क्या था कि एक बार मथुरा वृंदावन में बहुत बारिश हुई, शाम में लगा कि यहाँ पर बाढ़ आई, तो जब बाढ़ आ रही थी ना तो मतलब सब कुछ बह गया था, तब कृष्ण जी ने एक पहाड़ उठाया था जो गोवर्धन पहाड़ आज भी है, तो उसका ये बनाया हुआ है देखो जा। भीड़ साफ कर रहे क्या, भीड़ को कंट्रोल कर रहे क्या, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे, कमिश्नर साहब आ रहे हैं साइड हट जाओ। अच्छा ये कमिश्नर साहब है क्या, राधे राधे। तो गाइस राम मंदिर के भी, राम मंदिर गया मैं इसका, राम यार राम मंदिर निकलता मेरे से। तो गाइस प्रेम मंदिर के भी दर्शन कर लिए और अभी जैसे जैसे रात हो गई है तो लाइट्स भी ऑन हो गए यहाँ पर, और अभी धीरे धीरे और ज़्यादा प्यारा होगा, जैसे ही रात हो जाएगी तो और ज़्यादा प्यारा लगने लगेगा। मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि अभी फ़िलहाल कैसा लग रहा है। तो अभी जैसे पूरी प्रॉपर रात नहीं है बट लाइट्स ऑन हो गए, तो अभी धीरे धीरे ऐसी रात होगी तो और ज़्यादा प्यारा लगने लगेगा। तो ये है और अभी भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। अभी राहुल और मैं दर्शन करने गए थे, यहाँ से टांग के चलते हैं फिर जाएंगी मम्मी। अब तो भाई इसके बाद निकल रहे बाकी प्यारी मंदिर, अब तो बंद होने वाला होगा वो। हाँ यार ले लो। तो गाइस प्रेम मंदिर के बाद सीधा हम सब घर आ गए थे क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया था, हमारी ना प्लानिंग बिल्कुल चौपट हुई, हमने बिल्कुल भी प्लानिंग अच्छी नहीं की थी। पहली बात अगर आप वृंदावन जाने का प्लान कर रहे हो ना, मैंने अभी यारोही से पूछा, यारोही बोल रहे कि आपको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मंदिर जाना है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना। अगर आप शाम में जा रहे हो ना 8 बजे के बाद वहाँ पर कोई मंदिर खुला नहीं रहता, सारे बंद हो जाते हैं 8:30 मैक्सिमम है, तो सुबह रात में जाओ वहाँ पर होटल में रुको, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग लिख लो, और अगर आप पास में ही हो तो यहाँ से आप अर्ली मॉर्निंग भी निकल सकते हो। अर्ली मॉर्निंग में सारे आप मंदिर दर्शन कर लो ताकि आप रात तक और कम से कम 3 दिन का ट्रिप लगा के जाना, ताकि आप वृंदावन और मथुरा दोनों घूम पाओ अच्छे से। हम सोच रहे थे कि भाई 2 दिन में सारा कवर कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है, हम आगरा कल चले गए। ताजमहल एक बार सच बताऊँ, ताजमहल एक बार पहली बार देखा उतना जितना जैसा पहली बार फील आया दूसरी बार नहीं आया। हम ऊपर गए, 200 रुपए की एक्स्ट्रा टिकट ली हमने, ऊपर गए तो ऊपर इतना ज़्यादा मुझे खास नहीं लगा, 200 रुपए वर्थ नहीं थे वो। सो उससे अच्छा है आप वृंदावन मथुरा जाओ, दोनों 2 दिन आप जाना आप अच्छे से घूमो और आपको बहुत अच्छा इन्जॉय होगा। अभी तो होली आ रही है, होली पर बहुत ज़्यादा रश रहेगा, तो मैं बोलूँगा कि होली पर जाना अवॉइड करें। अगर आप बैचलर्स हैं तो जा सकते हैं, फैमिली के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप छोटा बच्चा लेके जाओगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बाकी
इस व्लॉग में इतना ही, लव यू गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक बाय।